क्वालिटी कंटेंट का मतलब क्या भाई, वो कंटेंट जो सिर्फ आपके टाइप की हो, देखने के बाद अंदर से फील हो कि सीरीज में कुछ तो बात थी। तो आज के वीडियो में हम लाए टॉप 5 बेस्ट वेब सीरीज जिनके कॉन्सेप्ट में दम होगा और आपके टाइप का हो तो बेहिचक देख डालिए। तो ऐसे ही सिर्फ क्वालिटी सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, सिर्फ क्वालिटी ही आप तक लाया जाएगा। तो चलिए कुछ टॉप क्लास वेब सीरीज को एक्सपीरियंस करते हैं। नंबर 5 की सीरीज कुछ खतरनाक, कुछ अजीबो गरीब, भयानक, स्ट्रेंजर थिंग टाइप। कंपेयर बिल्कुल भी ना करिएगा, आप मरकर भी जिंदा हैं। जिसे हाल ही में अमेजन प्राइम वीडियो पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया मिस्ट्री थ्रिलर के साथ पैराडाइज। स्टोरी भाई अजीबो गरीब शहर के कुछ लड़कियां गायब हो रही हैं, तभी अपने बहन को ढूंढने के लिए एक भाई 3 दोस्तों के साथ निकलता है। ट्विस्ट तो ये है कि आप मरकर भी जिंदा हैं और गायब हुई लड़की भाई कहाँ है, उनके साथ हुआ क्या, बस यही सस्पेंस आपको सीरीज से कनेक्टेड रखती है। और दूसरी ओर डीमंस आ रहे हैं, अजीबो गरीब चीजें दिख रहे हैं, ये सब आप मूवी में देखिए, बस थोड़ी हाई एक्सपेक्टेशन लेकर मत देखिएगा, नहीं तो डिसअपॉइंट होंगे। सीरीज के कॉन्सेप्ट में तो भाई दम था, पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन एवरेज रह गई, नए ऑडियंस के लिए मस्ट वॉच होगी। सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 4 की सीरीज के कॉन्सेप्ट कुछ खतरनाक सा, एकदम स्पेस से कुछ अजीबो गरीब चीज सीधा आकर हमारी धरती पे अटैक कर दे तो क्या होगा, ये सीरीज आपको एक्सपीरियंस करा सकती है। जिसे हाल ही में अमेजन प्राइम वीडियो पे रिलीज किया गया 2019 की साइफाई एक्शन टोटल 3 सीजन के साथ वॉर ऑफ द वर्ल्ड। आप सोचो शहर में अनजान चीज या फिर कोई इनविजिबल पावर अर्थ पे हमला कर दे और कुछ ही पलों में शहर सुनसान में बदल जाए, फोन इंटरनेट सब कुछ बंद हो जाए, यहाँ तक कि ना ही कुछ ज्यादा खाने को बचे, तो बताइए आप कैसे सरवाइव करिएगा, है ना खतरनाक कॉन्सेप्ट। इस सीरीज को भाई हम सीजन 1 को देखकर सिर्फ जज कर रहे हैं, तो हो सकता है हमारी एक्सपेक्टेशन पे खड़ी ना उतरी हो। ऐसी कॉन्सेप्ट के साथ भाई भूचाल लाया जा सकता था, वो एज ऑफ सीट वाली एक्सपीरियंस हो सकता था, क्योंकि हम ऑडियंस को ऐसी साइफाई सर्वाइवल टाइप सीरीज देखने में काफी मजा आता है। बस ये एक्सपीरियंस 2 या 3 एपिसोड तक ही था, बाकी का एपिसोड पूरी तरह से स्लो हो जाता है। अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट पसंद आया तो एक ट्राई देकर देखिए, सीरीज के कॉन्सेप्ट में दम था, बस इसीलिए इस सीरीज को लिस्ट में रखा, हिंदी डबिंग के साथ अमेजन प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। नंबर 3 की सीरीज आपकी पेशेंस को मांगती है, धीरे धीरे करके आप सीरीज से कनेक्ट होते हो क्योंकि ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। अमेजन प्राइम वीडियो की तरफ से 2020 की क्राइम ड्रामा टोटल 2 सीजन के साथ हंटर। एक ऐसा हंटर का टीम जिनका काम है अमेरिका में छिपे नाजीज को मारना, अपने लोगों पे हुए जुर्म का बदला लेना। जनरली ये सीरीज रिवेंज हंटर पे बेस्ड है। अगर रिवेंज टाइप सीरीज देखना पसंद है तो इस सीरीज को जरूर देखिएगा। और सबसे बेस्ट पार्ट लगा भाई इसका स्टोरी टेलिंग और स्क्रीन प्ले। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका और नाजीज के बीच दुश्मनी, फिर वो रिवेंज वाला कैरेक्टर में एटीट्यूड आपको काफी पसंद आएगी। बस ये सब देखने के लिए सीरीज मांगती है पेशेंस, अगर आप में पेशेंस है तो बिंदास देख डालिए, डिसअपॉइंट नहीं होंगे। अमेजन प्राइम वीडियो पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 2 की सीरीज मैजिकल फैंटेसी फैंस के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार की तरफ से एक ट्रीट हो सकता है। हम बात कर रहे हैं भाई हाल ही में रिलीज किया गया 2022 की फैंटेसी एडवेंचर ड्रामा के साथ विलो। सीरीज की स्टोरी 1988 में आई फिल्म विलो की सीक्वल है, जहां एक ऐसा जादूगर विलो को ढूंढना है जो इस दुनिया को बता सकता है, जहां कुछ लोग इन्हें ढूंढने के लिए निकलते हैं एडवेंचरस सफर में। और सच में भाई सीरीज में कमाल की एडवेंचरस दुनिया दिखलाई है। डिज्नी की तरफ से है तो बिल्कुल भी इनकी फैंटेसी दुनिया पे शक नहीं किया जा सकता। 4 एपिसोड में सीरीज ने वो फैंटेसी दुनिया को अच्छी तरह से डिफाइन किया, बस खटका तो इसका लो बजट, क्योंकि भाई हम ऑडियंस को हाई बजट लॉर्ड ऑफ द रिंग, हाउस ऑफ द ड्रैगन जैसी सीरीज देख रखे हैं। नए ऑडियंस के लिए सीरीज विजुअली ट्रेट से कम नहीं होगा। सीरीज के 4 एपिसोड हिंदी डबिंग के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है। नंबर 1 की सीरीज भाई इनकी जितनी भी तारीफ करे उतना कम होगा। आज तक हमने कोई और सीरीज के लिए रिलीज होने के बाद 3 महीने तक एक एक एपिसोड के लिए हर वीक इंतजार नहीं किया था, पर इस सीरीज ने मजबूर कर दिया। जी हाँ भाई, हम बात कर रहे हैं एप्पल टीवी की तरफ से हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया 2022 की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से एक क्राइम ड्रामा के साथ शांताराम। 80s के दशक में एक ऑस्ट्रेलियन बंदा ऑस्ट्रेलिया के जेल से भागकर सीधा मुंबई के सागरवाड़ा के झोपड़पट्टियों में रहकर वहां के लोगों के लिए मसीहा बनता है।
स्टोरी सिंपल है भाई, पर हर एक कैरेक्टर में इमोशंस है, और हम इंडियंस ना भाई ऐसी इमोशंस को सीधा दिल में जगह देते हैं। हर एक कैरेक्टर की एक्टिंग यार सिर्फ एक्टिंग नहीं कह सकते, इमोशंस चाहे लिन की कैरेक्टर हो, प्रभु की हो, या फिर कार्ला या ब्यूटीफुल हॉट लिसा की हो, आपको सीरीज से जोड़ कर रखेगी। एक एक कैरेक्टर आपकी इमोशंस बन जाएगी, और सबसे बड़ी बात वो 1980s के दशक के वो बैकग्राउंड सेट डिजाइन आप फर्क नहीं कर पाओगे, और बताने लगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ऐसी मास्टरपीस सीरीज को मिस ना करिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा क्या आप इस सीरीज के लिए आप हर हफ्ते इंतजार करते थे। सीरीज हिंदी डबिंग के साथ एप्पल टीवी प्लस पे अवेलेबल है, तो ऐसे ही सिर्फ क्वालिटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, और यकीन मानिए सिर्फ आप तक क्वालिटी ही लाया जाएगा। और इस लिस्ट की शॉर्ट वीडियो के लिए आइए हमारे टॉप रिव्यू इंस्टाग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे ही क्वालिटी के साथ। Anxiety, taking over me, I can't